बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्दी फूड विद नूर एहसन। आज हम फिर से आपके लिए सुपर हेल्दी सुपर डिलीशियस शामी कबाब की रेसिपी लेके आए, जिसके लिए हम कढ़ाई में आधा किलो चने की दाल लेंगे, एक किलो चिकन लेंगे, 6 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 13 से 15 अदद साबुत लाल मिर्च, 2 अदद दालचीनी, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, 3 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 11 लहसुन के जवे और 2 गिलास पानी डाल के मिक्स करके इसे ढक देंगे और 30 से 35 मिनट तक मीडियम हीट पर पकने देंगे। जब ये कुक हो जाए, चिकन और दाल को अच्छे से चेक कर लें कि सही से टेंडर हो गया। अब हाई फ्लेम करके ड्राई होने तक पकाएं और फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसे ठंडा करके चिकन को सेपरेट कर लेंगे और इसे मोर्टर में अच्छे से पीस लेंगे। आप इसे पीसने के लिए फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन इस तरह से रेशेदार होना चाहिए। इस तरह से बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। अब फूड प्रोसेसर में दाल को डालेंगे और इसे पीस लेंगे। फिर सेम प्रोसेस से सारी दाल पीस लेंगे। अब हम इसमें ग्रीन मिक्सचर डालेंगे, जिसमें 1 कप मिंट लीव्स, 1 कप ग्रीन करियांडर, 5 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। दाल और चिकन के मिक्सचर में 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 कप योगर्ट डालें और ग्रीन मसाला सारा डालें और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। अब कबाब बनाने के लिए राउंड शेप में कोई सा भी लिड ले लें और इसे क्लिंग रैप से रैप करें। मिक्सचर के बॉल्स बना के इस लिड में रखें और इसे शेप देते जाएं। आप चाहें तो रेगुलर मेथड से हाथ की मदद से भी शेप दे सकते हैं। अब इजीली शीट को पुल करें और कबाब रेडी है। इसी मेथड से सारे कबाब रेडी करके रख लें। जब सारे कबाब रेडी हो जाएं, आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब 2 अदद अंडे लें, 2 पिंच सॉल्ट लें, 2 पिंच रेड क्रश चिली लें और इसे अच्छे से बीट कर लें। अब एक पैन लें, उसे ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लें और कबाब को अंडे में डिप करके पैन में फ्लिप करते जाएँ। सेम मेथड से सारे कबाब पैन में डालते जाएंगे और इन्हें अच्छे से दोनों साइड से फ्राई करते जाएंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए देसी घी, सरसों का तेल या नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं। सो हेयर वेट लॉस कबाब रेडी। यू मस्ट ट्राई दिस अमेजिंग एंड डिलीशियस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर डिलीशियस रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।